हाँ जी सर, की कहना चाहोगे जो आज डेथ हुई है? मैं कैप्टन मंगल सिंह भाट, निवासी अर्बन स्टेट फेस वन जलंधर, अपने सारे देशवासियों को एक बड़ी मदभागी सूचना देना चाहना कि मेरे वड्डे भाजी हरबंस सिंह भाट, जो कि सूबेदार के तौर पर आर्मी विच 22 साल सर्विस करने तो बाद रिटायर होए सीगे, तो मैं भी आर्मी दे विच 30 साल सर्विस की है, लेकिन जिहड़ी ये घटना उन्होंने नाल हुई है यह साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नाल हुई है और इसकी वजह नाल उन्हां दी 14 जून को डैथ हो गई। जो घटना हुई है इस दे बारे मैं हुण पहलों तुहानूं विस्तार नाल दसांगा। 27 अप्रैल नूं मेरे भाजी घरों लागे एक डॉक्टर की दुकान तो दवाई लैन जा रहे सन कि पिछों एक आवारा सान ने आके उन्हां ते हमला कर दिता, तो पिछों उन्हां नूं सिंग मारिया जो कि उन्हां दे पेट विच 6 इंच तक गहरा जख्म करता। वो थले टिके तो उत्ते भी उन्होंने काफ़ी 3-4 वारी टुटा मारिया, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिता। जदों उन्हां दी चीकां सुन के फिर लोग आए तो उन्होंने सानू भजाया। उस तो बाद उन्हां दा बेटा उन्होंने लैके मिलट्री हस्पताल चले गए, उत्थे वो एक हफ्ता तकरीबन रहे, फिर उस तो बाद जोशी हॉस्पिटल गए, उत्थे 5 दिन तक रहे। उस तो बाद टैगोर हॉस्पिटल भी असीं लैके गए, उत्थे तकरीबन एक हफ्ते तो बाद 14 जून उन्हां दी उत्थे मौत हो गई। और वो 27 अप्रैल तो 14 जून तक मौत नाल जूझदे रहे, वो भी क्यों कि साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह नाल इन्ने आवारा जानवर कुत्ते इत्थे जो घूमते इन्हां दी वजह नाल जे सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी आए तो 40% अपने सारे देश के एक्सीडेंट होंगे तो लोगों की मौत हो। सानू खास करके मैनू सानू साढ़े परिवार ने, मैं भी 30 साल फौज में नौकरी करके आया, मेरे भाजी 22 साल की है देश की सेवा की है, असी मेरे पिता जी ने 22 साल सिख रेजिमेंट की सी, जे साढ़े विचों कोई भी एक जना देश की सेवा करता होया जां दुश्मन नाल लड़दा जां होया शहीद हो जाता, सानू इन्ना दुख नहीं होना सी। जबकि देश दी लई असी कोई शहीद भी हो जाते, मैं भी शहीद हो जाता तो सानू भी सर मेरे परिवार को भी खुशी होंगी, साडा भाजी भी शहीद हो जाता सानू खुशी होंगी, पर अज सानू इन्ना दुख है कि असी इस दे बारे वर्णन नहीं कर सकते, दस नहीं सकते कि इन्नी देश की सेवा करन तो बाद एक साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह नाल एक बल्द दे हमले तो साढ़े भाजी 27 अप्रैल तो लैके 14 जून तक मौत नाल जूझते रहे। उन्हों का वध तो वध असी इलाज करवाया आलमोस्ट 49 डेज पूरे, वो इन्ने हौसले वाले सन, इन्ने ज़्यादा उन्होंने अंदर पेट के गहरे जख्म सन, फिर भी वो मौत नाल लड़ते रहे, पर आखिरकार मौत ने उन्होंने 14 जून में जित लिया। तो अज असी उन्होंने संस्कार करके आए 4 दिन बाद, क्योंकि साढ़े भरा कुछ बाहर सन, रिश्तेदार बाहर सन, उन्होंने होने बाद अज असी संस्कार किया है, पर सानू इस गल का बहुत दुख है। तो असी सारे देशवासियों इस चीज़ तो सावधान करना चाहते हाँ कि सारियां नूं और अपनी जो सोसाइटियां नेबरहुड दे विच बनियां हुई उन्हां नूं सतर्क होना चाहिए है कि जो आवारा
जानवर आवारा गावां ते आवारा कुत्ते घूमते हैं उन्होंने कारपोरेशन रिपोर्ट करके कारपोरेशन भी इंतजाम करना चाहिए है तो इन्हों इतों चुका चाहिए है। यह अपन अपने ही कई लोग धर्म का विश्वास दे करके इन गावां सानां नूं रोज़ उन्हां दी सेवा करते गलियां विच घूमते आ लोग आटा खवाते रोटियां खवाते जो कि साढ़े लोगों के उत्ते हमले करते उन्हां नूं इस तरह जख्मी करते कई लोग उन्हां दी वजह नाल पहलों भी इत्थे असीं सुणिया और मेरे नेबरहुड विच भी एक दो मौतां होईआं इत्थे भी एक दो मौतां होईआं सारे देश दे विच दा जे सर्वे का पता किया जाए तो बहुत सारिया मौत होंगे इन आवारा स्ट्रे एनिमल्स के स्ट्रे डॉग्स की वजह ना सर्वे की रिपोर्ट गूगल पर देख लो 40% एक्सीडेंट होंगे तो मौत होंगे तो इस चीज़ लिए आप सारे सतर्क होने की लोड़ है। मैं खुद अपने अर्बन स्टेट नेबरहुड इसके बारे पिछले साल बहुत काम किया हूँ भी असं कर रहे हैं उत्थे असीं एक सोसाइटी भी बनाई हुई है मैं कारपोरेशन दे विच रिपोर्ट करके इस दे बारे जो मैंने पता लग्या सी कि इन्ने एक्सीडेंट होते हैं तो मैं पिछले साल 15 गावां चुकाइया सी तीन बार आके चुक के लै गए उस तो बाद कहिंदे जी साडी ते ओह गौशाला फुल हो गई फिर उस तो बाद उन्होंने चुके नहीं हुण दो बार इस साल फिर आ पिछले महीने विच साडे वलंटियर्स हैगे आ ग्रुप उन्होंने चुकाए ने। किन्नी एज सी सर सर दी? उन्हां दी एज 83 साल सी जी। हाँ जी तो हाल ही में वो तकरीबन अच्छी सेहत सी तकरीबन चलते फिरते पर आ जी इन्नी मतभागी अणगहली दे अपने ही जो एडमिनिस्ट्रेशन की अणगहली की वजह नाल इस तरह का जो उन्होंने नाल एक घटना वापरी है ये बहुत ही दुख भरी घटना है।